चलिए लेट अस स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर. आई होप यू विल बी वेरी मच एक्साइटेड फॉर टुडेज लेक्चर, राइट? तो वो तो एक्साइटमेंट तो आपके चेहरों पे नजर आ ही रही होती है कि बस एक बार लॉग इन किया और वीडियो अपनी गायब कर दी. दैट मच एक्साइटमेंट. फोन साइड पे रख दिया, किसी को क्या पता हमने लॉग इन करके क्या कर रहे हैं ना. तो बेटर है कि अपनी वीडियोस ऑन करो, हमें भी अच्छा लगता है जब हम आपको देख के पढ़ाते हैं. तो चलिए, तो सेकंड एक्सरसाइज वाज गोइंग ऑन क्वेश्चन ऑफ रोड रोलर वी वर डूइंग ना. चलिए सेकंड क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर. यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग दिस, आई हैव टोल्ड यू सर्टेन थिंग्स अबाउट द क्वेश्चन, लेट अस रिकॉल देम. So diameter was 84 centimeter, and from here I derived the radius by getting the division by two, and we are getting it to be 42 centimeter. This is the radius of the fourth. So radius comes out to be 42 centimeter, and the length is also always considered as height in case of cylinder. So h is equal to how much? 120 centimeter. This is the value of h. ये h की value है हमारे पास, right? What he says, road roller is taking 500 complete revolution to level the playground. एक playground को level करने के लिए, उसपे जो मिट्टी कंकर कुंकर जो भी पड़े हुए हैं उनको level करने के लिए ये जो road roller है वो रोड पे चलना शुरू करता है, और चलते चलते ऐसी 500 उसको चक्कर लगाने पड़ते हैं तब जाके उसका काम फिनिश होता है, राइट? बट ही नेवर स्टॉप, ही डज इट्स वर्क वेरी नाइसली बिफोर इट इज कमिंग टू द फिनिशिंग पॉइंट. वी शुड टेक सम लेसन फ्रॉम इट कि अपना जब तक टारगेट अचीव नहीं होता वी शुड कीप डूइंग आवर वर्क, राइट? चलिए, तो क्या होता है, वो ऐसे ऐसे घूमता है, घूम घूम के 500 चक्कर लगाता है, प्ले ग्राउंड जो है वो लेवल हो जाता है. क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड. हमें प्लेग्राउंड का एरिया फाइंड करना है. लिसन, व्हेन दिस रोड रोलर विल रोल इटसेल्फ ऑन द प्लेग्राउंड. तो इसने क्या किया, मान लो अपनी इस सरफेस से इसने रोड के साथ इसको टच किया और घूमना शुरू किया. ये तब तक एक चक्कर पूरा नहीं होगा जब तक ये वाला सरफेस घूम घूम के दोबारा अपनी जगह पे नहीं आ जाता. और जब इस सरफेस ने घूम घूम के अपनी जगह को दोबारा हासिल किया तो इट मींस तब तक इस रोड रोलर का कितना सरफेस इस प्लेग्राउंड को टच कर गया, बोलो. इस रोड रोलर का कौन सा सरफेस इस प्लेग्राउंड को पूरी तरह से टच कर लेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया, साइड साइड वाला सारा हिस्सा. कभी हमने रोड रोलर को प्लेग्राउंड पे नाचते हुए नहीं देखा. ये नहीं कि ये ऐसे घुमा फिर खड़ा हो गया फिर बैठ गया, नथिंग लाइक दैट. It means while leveling the playground by the road roller, these two faces they are having no role. Upper और lower face का कोई role नहीं है उसमें. जो area cover होगा वो curved surface से ही cover होगा. Curved surface ही help करेगा उसको playground को level करने में. तो एक चक्कर में जब उसने किया तो उसका curved surface area आ गया. That means हमें इतना पता चल गया that area of the playground covered by the road roller in one revolution will be equal to what? Curved surface area of the road roller. This is the key point. This is the concept which is involved in this question, that you have to think about this, ki jo ek chakkar mein usne area cover kiya hai wo kitna hoga, wo hoga uska curved surface area. Ab hame to playground ka pura area nikalna hai, pure playground ka area nikalna hai, aur pure playground ko level karne mein usko kitni revolutions lag rahi hain? 500. तो अगर एक चक्कर के एरिया को हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, that will be what? Area of the playground. Question का concept, I hope you are understanding. If not, then you can raise hand, I can repeat. चलिए, let us continue. We will write area of the playground. Area of the playground covered by road roller in one revolution
covered by playground, covered by road roller in one revolution will be equal to curved surface area. One revolution में उसने जो playground का area cover किया है वो होगा curved surface area. And that formula is 2 pi RH. This is 2, 22 by 7 into 42 into H. 2, 22 by 7 into 42. Oh, sorry. इसमें थोड़ा समझे इधर करना पड़ेगा. 2, 22 by 7, 42 into 120. Let us do the cutting. This will be 6. And that is 44 into 6 into 120. And that is 264 into 120. will be the area covered by the road roller in one revolution. 31,680. एक revolution का area आया centimeter square. ये centimeter square में है. This is the area of the playground covered by road roller in one revolution. हमें कितनी revolutions में चाहिए? We need it into the in the 500, हमें चाहिए पूरे प्लेग्राउंड का एरिया. पूरे प्लेग्राउंड का एरिया निकालने के लिए हमें कितनी रेवोल्यूशंस का एरिया चाहिए होगा? 500 का, क्योंकि उसको पूरे प्लेग्राउंड को लेवल करने में कितनी रेवोल्यूशंस लग रही है? 500. सो वी विल राइट नाउ एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इज इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय रोड रोलर, covered by road roller in how many revolutions? 500 revolutions. 500 revolutions. So this is equal to 31680 multiplied by 500. 500 ke saath isko multiply kar do. This will be 884 and 4 times zeros we are getting centimeter squares mein. But he says find the area of the playground in meter square. So centimeter square will be converted into the meter square. 1 centimeter square converted into the meter square divided by 100 1 times. 2 centimeter square multiplied into the meter square divided by 100 by 2 times. So 2 times 100 ke saath aap isko divide kar do. यानी कि 10,000 से डिवाइड कर दो. फोर जीरोस गेट कैंसिल. 884 मीटर स्क्वायर इज द आंसर. 884 मीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ द प्लेग्राउंड्स एरिया. चलिए लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. कर लो यहां तक फिर देखते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद. स्टेटमेंट रीड आउट करो. हां जी भावना, व्हाट इज योर क्वेश्चन? मैम इसका आंसर 1584 आ रहा है. 1584 आ रहा है. मैम यस मीटर. अच्छा, मुझे लगता है मैंने आप मल्टीप्लाई में थोड़ी गड़बड़ की है. फोर जीरोस डिवाइड हो जाएंगी 1584 मीटर स्क्वायर. ठीक है चलिए लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद. द क्वेश्चन इज सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायामीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर्स इन हाइट.
डायामीटर दिया हुआ है सेंटीमीटर्स में और हाइट दी हुई है मीटर्स में. पहले बना लें एक सिलेंड्रिकल पिलर. डायामीटर इज 50 सेंटीमीटर, हाइट इज 3.5 मीटर. डायामीटर इज 50 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3.5 मीटर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.50 पर मीटर स्क्वायर. अब देखो उसने क्या बोला, कॉस्ट द पेंटिंग. अब इस क्वेश्चन को मैं सबसे ज्यादा इजी मानती हूँ, क्योंकि जब उसने पेंट करने के लिए बता ही दिया कि किसको पेंट करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया को, तो हम निकालेंगे क्या कर्व्ड सरफेस एरिया. ऐसे क्वेश्चन से इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता जिसमें सीधा ही बोल दिया कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है या टोटल सरफेस एरिया निकालना है. लेट अस राइट द डायमेंशंस. मीटर में पूछा उसने कि सेंटीमीटर में कॉस्ट किसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, मीटर के अकॉर्डिंग. तो हम मीटर्स में डायमेंशंस को कन्वर्ट कर लेते हैं. सो वी आर हैविंग डायामीटर 50 सेंटीमीटर तो फिर इतने पंगों में क्या पढ़ना, पहली बार सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कर दो. डायामीटर रेडियस 50/2 25 सेंटीमीटर. रेडियस आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं. जीरो पॉइंट टू फाइव मीटर हमारे पास आ गया. एंड व्हाट इज हाइट एच, 3.5 मीटर. हाइट एच इज 3.5 मीटर. 3.5 मीटर हमारा जो है हाइट का आंसर मतलब वैल्यू है. तो वी विल फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू यूज द फॉर्मूला 2 पाई आर एच. सो दिस इज 2 इंटू 22/7 0.25. एच कितना है 3.5. 0.5 44 इंटू 0.25 इंटू 0.5 दिस इज 44. 0.125 दिस इज 5.50 आ रहा है. एक मिनट में देखना पड़ेगा, कहीं गलती हुई है कैलकुलेशन. दिस इज 44 इंटू 0.25 इंटू 0.5. तो ये आया 11 इंटू 0.5. जीरो टेन 110 11 फाइव जा 55 5.11 इंटू 0.5 दिस इज 5.5 आ रहा है मेरे हिसाब से. 5.5 मीटर स्क्वायर इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पिलर. सो अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमें निकालना है 12.50 के हिसाब से. तो वी विल राइट कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू cost of painting is equal to, बस आप मल्टीप्लाई करो अब कितना है, at the rate of 12.5 per meter square. At the rate of 12.5 per meter square, this is equal to 12.5 into 5.5. मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, हाँ जी अरमान. मैम 68.75 आएगा. 68.75. अच्छा पॉइंट आगे आएगा. ठीक है ठीक है ठीक है, दो पॉइंट है तो 68.75. ठीक.
चलिए भाई लेट अस स्टार्ट विद सिक्स्थ क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ इज गोइंग टू बी अपीयर ऑन योर स्क्रीन. Sixth question is curved surface area of right circular cylinder is 4.4 meter square. Curved surface area is equal to 4.4 meter square. This is the curved surface area of the cylinder. जो हमें पता है हमने लिख दिया. And he says radius of the base is 0.7 centimeter. Radius जो पता चलता है ना उसको फटाफट से अपने पास लिख के रख लो. So radius is equal to 0.7 meters. Find the height. हमें height find करनी है. Height हम suppose कर लेते हैं. Let h be the height of the cylinder. H be the height of the cylinder. हमने लिख दिया. राइट कर्व्ड सरफेस एरिया के नीचे कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओ. 2πRh इज इक्वल टू 4.4. रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ आर एंड पाई. 2 × 22/7 आर इज 0.7 × h 4.4. दिस इज 0.1. So this is 4.4 × h is equal to 4.4. So h is equal to 4.4/4.4. So h comes out to be 1 meters. So value of h is 1 meter. H की value हमारे पास 1 meter आ गई. हाइट ही फाइंड करी. ऐसे क्वेश्चन बड़े फेमस होते हैं. कर्व्ड सरफेस एरिया हाइट भी दी हुई, रेडियस दिया हुआ, हाइट निकालो, हाइट दी हुई या रेडियस दी हुई, रेडियस निकालो. वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि बहुत आ जाते होते हैं पेपर में ये ऐसे क्वेश्चन कि रेडियस दिया हुआ, हाइट निकालो. आते होते थे बोर्ड के पेपर में जब बोर्ड का पेपर आता था. अब तो कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है. कोई फेमस फेमस वाली बात नहीं रही. चलिए क्वेश्चन नंबर 7. इट इज इनर डायामीटर. लिख लो पहले. लिख रहे हैं अभी ऑफलाइन स्टूडेंट्स जब तक आप लोग स्टेटमेंट पढ़ो. ये क्वेश्चन आप अपने आप करना. डायामीटर दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, कर्व्ड सरफेस एरिया को प्लास्टर करना है. तो कर्व सरफेस एरिया निकाल के कोस्ट से मल्टीप्लाई कर देना. दिस आई एम लीविंग. ये नहीं हम करेंगे, ये नहीं मैं करवा रही, ये आप खुद करोगे. सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8. 8th क्वेश्चन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद. एट्थ क्वेश्चन. In a hot water heating system, there is a cylindrical pipe of length 28 meters. पहले तो cylindrical pipe की अगर बात हो रही है तो it means cylinder pipe is a cylindrical shape. So आप पहले लिख लो इसकी height है 28 meters. Oh sorry, 28 meters. Height is 28 meters. And diameter is 5 centimeter. So radius is equal to 2.5 centimeter. अब उसने कुछ नहीं बोला कि meters में निकालो या centimeter में. हम centimeter में निकाल लेते हैं क्योंकि multiply होता है centimeter में. H is equal to 2800 centimeter. R is equal to 2.5 centimeter. Yeah. ठीक है. H is equal to 2800 centimeters and R is equal to 2.5 centimeters. Now, what the question is? Water system, मान लो एक बकेट में वाटर है, ठीक है, और एक सिलेंड्रिकल पाइप जो है, रोड, रोड जो है वो पाइप शेप में है. उस रोड को पुराने जमाने में होता था ना,
एक रोड आती होती थी उसके उसको पानी में रख देते थे और पानी गर्म हो जाता था, तब गीजर के सिस्टम नहीं होते थे। तो अगर हम उस रेडिएटिंग सिस्टम को वाटर में रख रहे हैं तो कौन सा सरफेस जो है उसका एक साइड पे स्विच लगा हुआ है, एक साइड से वो ऐसे ओपन है बंद है, तो कौन सा सरफेस उसका पानी को होल्ड करेगा, रेडिएट करेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हमें खुद सोचना पड़ेगा। तो ही सेज फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस। सो आप लिखोगे टोटल रेडिएटिंग सरफेस इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल एक साइड पे तो वो लगा हुआ है स्विच, दूसरी साइड फिर से वहां पे बंद है, उधर से वो पानी को ऐसे जब रखते हैं पानी में तो हम कहते हैं कि वो ना आए ऊपर, तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया इसका इन्वॉल्व होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया दिस इज 2πRh, 2 × 22/7 = 2.5 × 2800, 44 × 2.5 × 400, करो इसको मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। This will be 11, 11 × 4, 4400 cm². The answer will be 4400 cm². अगर हम पोलो को भी लेके चलें तो पाइप के अंदर वाले हिस्से से जो जो रेडिएशन की बात होती है तो अंदर वाले हिस्से में से तो पानी निकल ही रहा है, जो गर्म है वो बाहर से ही होगा, बाहर वाला सरफेस ही होगा। चलिए, और वैसे भी अगर हम ये बोलें कि इंटरनल साइड में जो है वाटर फ्लो हो रहा है और बाहर वाली साइड उसको रेडिएट कर रही है तो उसी हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9th को एंड में करवाऊंगी एक्सरसाइज के, पहले क्वेश्चन नंबर 10th करते हैं, 10th 11th करके 9th करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10th। टेंथ क्वेश्चन इज, यू सी द फ्रेम ऑफ द लैंप शेड इन द फिगर। एक लैंप शेड है ऐसे है, उसका फ्रेम बनाया गया है। सबसे पहले तो एक बात याद रखना, जब लैंप शेड का फ्रेम बनेगा तो ना तो उस फ्रेम के नीचे कुछ होगा, फ्रेम ऐसे साइड पे उसको कवर करेगा लैंप शेड को, ना ही ऊपर कुछ होगा, क्योंकि ऊपर लगाएंगे तो रोशनी कहाँ से आएगी, और नीचे जो है वो सिस्टम ही उस कोई जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास है कि जो फ्रेम है लैंप शेड का, इट इज टू बी कवर्ड विद ए डेकोरेटिव क्लोथ, क्लोथ से इसको कवर करना है लैंप शेड। और जो हम जिस क्लोथ से इसको कवर कर रहे हैं, जो फ्रेम बना रहे हैं क्लोथ का, वो सिर्फ उसको साइड से कवर करेगा, ना तो ऊपर से, क्योंकि लैंप इज लाइक लाइट विल बी अपीयर फ्रॉम द अपर पोर्शन, नो। तो नीचे से हम कैसे, अगर नीचे से करते हैं तो उसको ऐसे पहना के होल्ड कैसे करवाएंगे, इसलिए नीचे से भी नहीं, ऐसे राउंड से वो ऐसे चिपी के साथ चिपक जाएगा, ठीक है। He says, the frame has a base diameter of 20 centimeter. Diameter is 20 centimeter. Radius 10 centimeter. Diameter 20 centimeter and radius 10 centimeter. And height is 30 centimeter. H height. 30 सेंटीमीटर डायामीटर से रेडियस पे पहुंचे एंड हाइट हमारे पास 30 सेंटीमीटर गिवन है। फर्दर ही सेज, मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द कवर। सो दिस इज द क्वेश्चन जो मैंने तब आपको बताया था कि कभी कभी वो मार्जिन का एरिया भी देता है। कभी पिछले क्वेश्चन में उसने क्या कहा था, निग्लिजिबल है, बहुत कम है, निग्लिजिबल है, बट इस बार उसने मार्जिन का जो हमारे पास डायमेंशन है वो दिया है। क्या कहता है, ऊपर से भी 2.5 सेंटीमीटर फोल्ड कर दिया ताकि फिनिशिंग हो जाए, और नीचे से भी 2.5 सेंटीमीटर फोल्ड कर दिया जस्ट टू मेक द फिनिशिंग ऑफ द क्लोथ।
So let us see further. He says, find how much cloth is required for covering the lampshade. इस lampshade को cover करने के लिए कितना cloth required होगा? This is the question. अब बस एक बात याद रखना, lampshade का जब cover बन रहा है तो सिर्फ उसको side पे डाला जाएगा. आपने देखा भी होगा बहुत सारे lampshade पे cover डाला होता है तो side पे ही होता है, ना ही bottom पे और ना ही top पे. और moreover it is in the cylinder shape. तो सबसे पहले हम ये h जहां पे लिखा ना आपने 30 सेंटीमीटर, उसके बाद लिखो टोटल हाइट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर प्लस मार्जिन ऊपर कितना है 2.5 सेंटीमीटर. फोल्डिंग के लिए ऊपर कितना मार्जिन है 2.5, एक बार और एक बार फिर से 2.5, दो बार 2.5 जो है हमने वो ऐड कर दिया. सो इट विल बी 30 प्लस 5 35 सेंटीमीटर. तो हाइट जो है हमारे पास वो 35 सेंटीमीटर. तो यही पे बच्चे गलती करते हैं, दे यूज टू टेक द हाइट टू बी 30 ओनली. उनको भूल ही जाता है कि ऊपर मार्जिन के लिए भी क्लोथ चाहिए 2.5 का, मेंशनड है क्वेश्चन में, और नीचे भी हमें मेंशनड है 2.5 सेंटीमीटर क्लोथ चाहिए. तो दोनों साइड पे फोल्डिंग के लिए 2.5 का जो क्लोथ है वो 30 में एड हो जाएगा एंड इट विल बी 35 सेंटीमीटर. तो ये हमारे पास 35 सेंटीमीटर आ जाएगा. ठीक है, चलिए फर्दर. तो सारा ही रब कर दिया मैंने. हाइट कितनी आई हमारे पास 35 सेंटीमीटर इंक्लूड करके, और रेडियस 10 सेंटीमीटर. नाउ यू विल राइट, देयरफॉर क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप शेड, क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप शेड फॉर कवरिंग द लैंप शेड is equal to curved surface area. That will be the curved surface area. चलिए फॉर्मूला लगाइए curved surface area का. 2 pi r h. That is 2. 22 by 7. Radius 10. H 35. सेंटीमीटर इज द आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर. 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 10. लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 11. 11th question is going to be appear on the screen. कौन सा? करोड़पति नहीं खेल रहे बेटे, इतने पैसे नहीं है करोड़पति खेलने. हम इतने पैसे तो सोनी चैनल के पास ही है जो करोड़पति खिलाते हैं, है ना. चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन. द स्टूडेंट ऑफ ए विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन ए कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग. आई होप जो बच्चे जो दर्शक घर से सुन रहे हैं उनके पास बुक्स हैं, दे आर सिटिंग विद देयर बुक्स. ओनली देन द स्टेटमेंट कैन रीच इन देयर माइंड. आई कैन जस्ट पुट द इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट इन योर माइंड, बट द एक्चुअल वर्चुअल पिक्चर ऑफ द स्टेटमेंट शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू. बुक अपनी पास लेके बैठा करो. So he says they were asked to participate in competition, in a competition for making the decorative pen holders in the shape of a cylinder. Cylinder ki shape mein pen holder banana hai unhone, with a base using cardboard. Shape of a cylinder with a base using cardboard. Sabse pehle agar hum pen holders ki baat karein,
तो बेस तो जरूर होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, पेन ही गिर जाएंगे, ठीक है ना। सेकेंडली ऊपर से अगर बंद हुआ तो पेन डालने किसमें है, तो ये थोड़ा सा आपको फिगर के अकॉर्डिंगली खुद इमेजिन करना पड़ेगा कि जो कार्डबोर्ड है उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। एक तो साइड वाला कर्व्ड हिस्सा और एक नीचे वाला बेस, नीचे से प्रॉपरली पैक्ड अप बट ऊपर से ओपनड। चलिए लेट अस स्टार्ट। व्हाट ही सेज फर्दर, ही सेज ईच पेन होल्डर वाज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर। फटाफट से लिख लो, रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड हाइट h इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड हाइट h इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। द विद्यालय वॉज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर विद द कार्डबोर्ड। इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स, हाउ मच कार्डबोर्ड द विद्यालय हैज टू सप्लाई टू द कॉम्पिटिटर्स। 35 बच्चे हैं जिन्होंने एग्री किया कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, तो विद्यालय को उसको कितना कार्डबोर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा, दिस इज द क्वेश्चन। चलिए तो सबसे पहले आप लिखो, कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 1 पेन होल्डर। कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 1 पेन होल्डर। कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 1 पेन होल्डर, दिस इज इक्वल टू 2πRH, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। या पहले सीधा पहले लिख लो ताकि आपको याद रहे, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। सो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास आ गया 2πRH, एरिया ऑफ द बेस, सर्कल होता है सिलेंड्रिकल थिंग का जो बेस है, तो एरिया हो गया πR2। दैट्स व्हाई वी हैव डन द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूलास। डेरिवेशन इज नॉट देयर इन द पेपर, इन द एग्जाम, नॉट देयर इन द सिलेबस, बट वी हैव डन द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूलास जस्ट टू टेक आउट द कॉन्सेप्ट दैट वेयर πR2 इज टू बी एडेड, वेयर 2πR2 इज टू बी एडेड, राइट। सो टू सॉल्व इट इजिली, πR कॉमन ले लो आप, दिस विल बी 2H प्लस R, putting the value 22 by 7, R is 3, 2H, 2 into 10.5 plus R, that is 3. So this will be 66 over 7 into 21 plus 3. And this is 66 over 7 into 24. So further equal to 66 into 24 over 7. अब ना नीचे 7 को डिवाइड या मल्टी डिवाइड विड करने की कोशिश मत करना। रीजन, क्योंकि हमें 35 पार्टिसिपेंट्स का निकालना है, जब हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 विल कैंसिल आउट 35, तो बेटर है हम 7 को ना छेड़ें, इसकी कैलकुलेशन हम अगले स्टेप में कर देंगे। आप सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी 144 प्लस आगे 35 के साथ जब हम करेंगे तो 7 विल गेट आउट कैंसिल्ड। दिस मच कार्डबोर्ड इज नीडेड फॉर द पेन होल्डर, यहां पे लिख लो फॉर 1 स्टूडेंट, फॉर 1 स्टूडेंट दिस मच कार्डबोर्ड इज नीडेड। कितने कॉम्पिटिटर्स हैं? 35। चलिए स्क्वेयर, हाँ, देयरफोर कार्डबोर्ड required for 35 students is equal to 66 over 7 into 24 into 35. Oh, sorry, 184. हमने multiply कर लिया हुआ है. 1584 over 7 into 35. Do the cutting. Check करो calculations,
11th क्वेश्चन 13.7920 इज द आंसर. सो दिस इज ऑल अबाउट वी टुडेज लेक्चर एज पर एज द स्कूल टाइमिंग्स इट्स बीन ओवर. सो स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर सोसाइटी एंड योर सेल्फ टू.